रखना है और अक्षुण रखने में आपकी सहभागिता सदैव अपेक्षित है और आपकी सहभागिता बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे जितने भी कलम से लिखने वाले हमारे पत्रकार बंधु भाई, उनकी कलम की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है। पंचम लहरा चुकी है। उस महान पुरोधाओं ने जो अपने थाती को लेकर विरासत तक लेके आई है, हम उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके चलते आज खड़े हैं हम इस मंच में। वैसे महान पुरोधा जैसे हमारे कुंवर विजय प्रताप सिंधु, जो आधुनिक छो के निर्माता कहे जाते हैं, साथ में साधना करेंगे और रात भर आज हम जागरण करेंगे। ऐसे हमारे कई संस्था हैं जैसे आपके राजकीय छो नृत्य कला केंद्र के कलाकार, हमारे जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता हुई थी, हमारे ग्रामीण कलाकारों को जिन्हें जिला प्रशासन और राजकीय छो नृत्य कला केंद्र ने कटिबद्ध की ने प्रोत्साहन मिले, वे जो प्रथम आए हैं उनका प्रदर्शन। मैंने कुछ जो दिया, जो मैंने सिखाया, जो मैंने गुरु से सिखा था, वही मैं उन बच्चों को सिखाया। उस बच्चे में से एक मेरा होनहार बच्चा संजय कर्म का। तो मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे अगर सही रूप से ध्यान दे और नाचे तो वो चीज मंजिल दूर नहीं जिसकी हम तलाश करते हैं। कला, ये कला केवल कला ही नहीं, एक आराधना है, समर्पित भावना है। जब तक हम समर्पित होकर इस पर नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि आनंद लभते ही नृत्यम, आनंद लभते ही नृत्यम। तो आनंद तभी आ सकती है जब आपकी आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में आनंद आए, तभी हम नृत्य कर सकते हैं। और आज जो हमारा चरक पूजा चल रही है चैत्र पर्व की, हम सभ्य के रूप में देखते हैं और उस सभ्य में हम कहते हैं कि नर्तनम पाप कर्तनम, क्योंकि आज जो भी हमारे कलाकार नृत्य कर रहे हैं सभी कोई शिव के गण के रूप में होते हैं ना, नंदी भुकुटी जितने होते हैं शिव के गण के रूप में होते हैं और शिव की आराधना करते हैं। बहुत सी जगह पर आप देखे होंगे जैसे ओडिशा मयूरभंज बरिपदा में हम ढोंडा यात्रा के रूप में देखते हैं, अगर बंगाल में हम चले जाते हैं उसको गाजन पर्व बोलते हैं, गाजा डांग। अगर हम चले जाएंगे गोला रामगढ़ हजारीबाग खूंटी इस क्षेत्र में जाते हैं तो उसको माड़ा कहते हैं और इस क्षेत्र में हम इसको चैत्र पर्व कहते हैं। और इस माड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जितने भी सुदूर गांव में है उसको माड़ा कहते हैं, रात भर जागरण करते हैं। और संजय कर्म करके साथ जो साथ दे रहे हैं सृष्टि रंजन मातो, ये सृष्टि एक ऐसी नाम है जो गुरु केदारनाथ राव से शिक्षा प्राप्त की और इस देश में नहीं अपितु विदेशों में भी अपना नृत्य का प्रदर्शन किया। हम लोग सौभाग्यशाली है कि इस बिरसा मुंडा स्टेडियम SMC ग्राउंड के इस छो कला मंच पर आज उसकी प्रस्तुति भी दुर्गा के साथ महिषासुर के रूप में आ रहा है। तो ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा सृष्टि रंजन महतो महिषासुर के रूप में और दुर्गा हमारे सरायकला में, अब तो हमारे खरसवां में, सिल्ली में, रांची में, चारों तरफ में हमारे बच्चियां आज आगे बढ़ रही हैं। ये हमारा प्रतीक है, नारी सम्मान के प्रतीक है, नारी सशक्तिकरण के प्रतीक है और नारी किसी से कम नहीं होती है, बालिकाएं किसी से कम नहीं होती है, पुरुष और नारी में कोई ही अंतर नहीं है। आइए हम लेके चलते हैं और आराधना करते हैं महामाया उस शक्ति रूपाणी जगदम्बा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में।